Hard skills can get you hired, but lack of soft skills can get you fired. Hello everyone, my name is Dr. Imran Khan. I'm a teacher mentor, parent mentor, as well as students mentor. आज का टॉपिक, जैसे कि मैंने अपने वीडियो की शुरुआत में आपको एक कोटेशन से बताया, सो दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू सॉफ्ट स्किल्स. और हमारा जो टॉपिक है दैट इज हाउ ईजिली यू कैन अक्वायर soft skills. So without wasting any time, let's start the video. But before starting it, kindly like the video, share it if you want, and kindly subscribe to the channel. So let's start with the video. सबसे पहले हम ये जानते हैं कि soft skills होते क्या हैं. Soft skills का मतलब होता है कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम जो बातचीत करते हैं या बातचीत करने का तरीका, that is what is called as soft skills. इसको लाइफ स्किल्स भी बोलते हैं, पीपल स्किल्स भी बोलते हैं, या रिलेशनशिप स्किल्स भी बोलते हैं. तो रोजमर्रा आप अपने बॉस से कैसे बात कर रहे हैं, आप अपने जूनियर से कैसे बात कर रहे हैं, आप अपने पेरेंट्स से कैसे बात कर रहे हैं, आप अपने फ्रेंड्स से कैसे बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारे सॉफ्ट स्किल्स में इंक्लूड होती हैं, राइट? तो एक लेमैन लैंग्वेज में लेट मी एक्सप्लेन यू दैट सॉफ्ट स्किल्स का मतलब होता है कि रोजमर्रा की जिंदगी में आप अपने बातचीत से कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कैसे अपने काम को कर रहे हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज सॉफ्ट स्किल्स, बातचीत से रिलेटेड. अब दूसरा वर्ड यहाँ पर आता है कॉल्ड एज हार्ड स्किल्स. हार्ड स्किल्स मतलब पढ़ाई करते वक्त, पढ़ाई करने करते करते आपने जो टेक्निकल स्किल्स अक्वायर की हैं उनको बोलते हैं हार्ड स्किल्स. अब दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? ऑब्वियसली हार्ड स्किल्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड सॉफ्ट स्किल्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. बट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च ने ये क्लियरिफाई किया है कि पढ़ाई करने के बाद जो आपकी जो बची हुई जिंदगी है उसमें आप अपनी पढ़ाई का सिर्फ 15%, मतलब अपनी हार्ड स्किल्स का सिर्फ 15% यूज कर रहे होते हैं, बाकी रिमेनिंग 85% आप यूज करते हैं टू ग्रो इन टू योर जॉब, टू सक्सीड इन योर लाइफ. तो 85% आप सॉफ्ट स्किल्स का यूज कर रहे होते हैं एंड 15% सिर्फ हार्ड स्किल्स का यूज होता है. तो पूरी जिंदगी आपने जो पढ़ाई की उसका सिर्फ 15% यूज होता है, और रिमेनिंग 85% आप कैसे बातचीत करते हैं, आप कैसे, आपका व्यवहार कैसा है दूसरे लोगों के साथ, दैट इज व्हाट इज सॉफ्ट स्किल्स, वो इतना ज्यादा जरूरी है. थोड़ा सा हमारे सिस्टम की परेशानी ये है कि हम लोग बहुत ज्यादा फोकस करते हैं ऑन हार्ड स्किल्स. हमारे जो बच्चे 12th से निकलते हैं या फिर ग्रेजुएशन के बाद जाते हैं जॉब वगैरह करने के लिए, तो उनके पास हार्ड स्किल्स तो होता है बट दे लैक दी सॉफ्ट स्किल्स. दैट इज़ वाई सॉफ्ट स्किल्स, बातचीत करने का तरीका, इंटरव्यू को फेस करने का तरीका, इंटरव्यू में कैसे बात करना है, आफ्टर गेटिंग इन टू अ जॉब फिर अपने बॉस से कैसे बात करना है, जूनियर से कैसे बात करना है, कलीग्स से कैसे बात करना है, ये सारी चीज़ें मैटर करता है बहुत ज़्यादा जो बच्चा है वो अपनी जॉब में आगे बढ़ता है. तो अनफॉर्चुनेटली हमारे सिस्टम में वो हार्ड स्किल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है. तो दैट इज़ वाई सॉफ्ट स्किल्स आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. बच्चे को शुरुआत से ही सॉफ्ट स्किल्स में डेवलप करने का तरीका ढूंढना चाहिए, पेरेंट्स को, टीचर्स को, सिस्टम को इनफैक्ट, सो जिससे बच्चे आगे बहुत ज़्यादा उनका जो फ्यूचर होता है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट रहता है, बहुत ज़्यादा इन कंट्रोल रहता है. सो कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ इजी मेथड्स हैं विद विच यू कैन अक्वायर सॉफ्ट स्किल्स. तो हम लोग जल्दी से इनको देखते हैं कि सबसे पहला मेथड कौन सा है, दैट इज रीडिंग. ऑलराइट, सो रीडिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. वेदर यू रीड अ न्यूज़पेपर, वेदर यू रीड अ बुक, वेदर यू रीड अ मोटिवेशनल बुक, साइंटिफिक बुक, साईफाई बुक, हिस्टोरिकल बुक, कुछ भी पढ़िए, वो रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है. ऐसे पढ़िए कि आप जो ऑथर है उसके साथ आप बैठ के कुछ डिस्कशन कर रहे हैं या यू आर डिस्कसिंग समथिंग ओवर अ कप ऑफ टी, तो आप बुक को ऐसे पढ़िए. या आप ऐसे भी पढ़िए बुक को कि दैट यू आर एक्चुअली यू वांट टू टीच समथिंग वॉट एवर दैट यू हैव रेड इन द बुक. मतलब आप किसी को बुक में जो भी आपने पढ़ा है वो पढ़ाना चाहते हैं, तो वैसे बुक को पढ़ना चाहिए, राइट? सो ये बुक रीडिंग या न्यूज़पेपर रीडिंग या रीडिंग इन जनरल, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट? सेकेंड इज ऑब्जर्व.
लर्न फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंस, हमेशा दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखिए और उन्होंने जो गलतियां की हैं उन गलतियों को कभी रिपीट मत करिए। तो हमेशा अपने एक्सपीरियंस वाले लोगों के साथ रहना चाहिए ताकि आप उनको देख के ऑब्जर्व करें, उनसे सीखें और जो गलतियां उन्होंने की हैं वो आप गलतियां ना करें। सो दैट इज वाई ऑब्जर्व करना बहुत बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज टू राइट। राइटिंग इज वेरी वेरी एसेंशियल। कुछ भी लिखिए, आपको कोई कैरेक्टर पसंद आ रहा है सीरियल में या मूवी में या डेली लाइफ में, आपका कोई कलीग है, कुछ भी, किसी के बारे में कुछ भी लिखिए, बट राइट, राइट इट डाउन। एनीथिंग दैट इंस्पायर्स यू, किसी की अच्छी आदत आपको लग रही है उसके बारे में लिखिए, किसी की बुरी आदत लग रही है उसके बारे में लिखिए। हालांकि नेगेटिव चीजों को अवॉइड करना चाहिए, बट यू शुड ऑलवेज राइट पॉजिटिव थिंग्स। राइट, कोई कैरेक्टर, जैसे मैंने अभी बताया कि कोई कैरेक्टर आपको इंस्पायर करता है तो उसके बारे में लिखिए, मूवी कैरेक्टर है उसके बारे में लिखिए। सो स्टार्ट राइटिंग। राइटिंग विल हेल्प यू अलॉट टू यू नो प्रोड्यूस दैट इमेजिनेशन इन यू, टू ब्रिंग दैट इमेजिनेशन फ्रॉम योर माइंड टू द पेपर। सो दैट इज वाई राइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ, लिसन। लिसन टू मोटिवेशनल चैनल्स, लिसन टू रेडियो चैनल्स, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, आपको हमेशा मोटिवेटेड रखते हैं जब आप ये सारी चीज़ें सुनिए। और बड़ों, बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, जो एल्डरली होते हैं, उनकी बात ज़रूर सुनिए, उनके एक्सपीरियंस से जो भी वो बोलते हैं उसको ज़रूर सुनिए। बिकॉज जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, अगर किसी बंदे को 20 साल का एक्सपीरियंस हो, आप फ्रेशर है और आप उसकी बात सुनते हैं, तो आप इनडायरेक्टली, आपके पास 20 साल का एक्सपीरियंस पहुंच रहा है, राइट? तो इसीलिए एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। तो जो भी एक्सपीरियंस अपना शेयर करता है वैसे लोगों के साथ रहिए, राइट? और उन लोगों की कंपनी में आपको हमेशा सीखने को मिलेगा। देन उसके बाद अप्रिशिएट अदर्स। हमेशा कोई भी बंदा कोई भी अच्छा काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट जरूर करिए। दैट इज वेरी 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 एसेंशियल। एंड अप्रिसिएशन शुड नॉट बी फेक, इट शुड बी फ्रॉम विद इन। अगर जानबूझ के अप्रिसिएशन करने की जरूरत नहीं है कि आपको बोला गया अप्रिशिएट करने को तो आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, जो उसने अच्छा किया है उस पर अप्रिशिएट करिए, वेदर लिटिल और वेदर लार्ज, उसने जो भी अच्छा काम किया उस पर जरूर अप्रिशिएट करिए। अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपको आगे बढ़ाने में, और सामने वाले बंदे का जो कॉन्फिडेंस है उसको बूस्टअप करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है अप्रिसिएशन, राइट? सो स्टार्ट अप्रिशिएटिंग पीपल वॉट एवर गुड दैट दे डू। सिक्स्थ इज एक्ट। बहुत लोग बहुत प्रोकास्टिनेट करते हैं, मतलब कि वो चीज़ों को टालने लगते हैं। टालिए नहीं, अभी वो काम करिए, राइट? अभी वो काम करिए। सपोज आई वॉन्ट टू लूज वेट, सपोज आई वॉन्ट टू लूज वेट, तो मैं क्या 10 दिन वेट करूंगा? नहीं, सही मुहूर्त आ जाए? नहीं, आई हैव टू वर्क फ्रॉम डे वन, फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, राइट? सो वेट मत करिए कभी किसी चीज का, किसी एक अच्छे मुहूर्त का वेट मत करिए। स्टार्ट एक्टिंग राइट नाउ, राइट? बी प्रोएक्टिव, ऑलराइट? प्रोएक्टिव पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, सो आप देखिएगा प्रोएक्टिव का, व्हाट इज एक्चुअली प्रोएक्टिव, व्हाट आर एक्चुअली प्रोएक्टिव पीपल। स्पीक, स्पीक टू अदर्स, हमेशा बात करिए। कभी भी आप किसी प्रॉब्लम में हैं, डिस्कस इट विद अ पर्सन, चाहे अपने घर में बात करिए या किसी प्रोफेशनल से बात करिए। स्पीक आउट, राइट? कुछ भी दिमाग में है उसको बोलिए। जहन में रखने से वो चीज़ें कभी भी सॉल्व नहीं होने वाली हैं, हमेशा बात करिए। मैंने मेरे आप प्रीवियस वीडियोस में भी आपने मेरे देखा होगा कि मैंने आपसे बोला है कि बच्चों को हमेशा बोलने के लिए मजबूर करिए। कोई भी उनके अंदर फीलिंग्स हैं, कोई भी उनके अंदर परेशानी चल रही है, और भले अच्छा हो या बुरा हो, लेट देम स्पीक आउट। जब वो बोलेंगे तो वो अपना लेफ्ट ब्रेन यूज़ कर रहे हैं, राइट ब्रेन से वो सोच रहे हैं और लेफ्ट ब्रेन यूज़ कर रहे हैं, राइट? राइट ब्रेन में सारे इमोशंस वगैरह होते हैं और लेफ्ट ब्रेन में जितने भी वर्बल चीज़ें होती हैं उन इमोशंस को वर्बली एक्सप्रेस करते हैं का जो तरीका होता है वो लेफ्ट ब्रेन कर रहा होता है, राइट? तो अमालगमेशन होता है ऑफ द राइट ब्रेन एंड द लेफ्ट ब्रेन, विच इज़ वेरी वेरी
इम्पोर्टेंट। तो हमेशा बोलिए, राइट, जहन मत रखिए, चीजों को बोलिए। कोई परेशानी है तो डिस्कस इट विद पीपल, रिस्पॉन्सिबल पीपल। ऑलराइट, एट्थ, इंटरनलाइज सॉफ्ट स्किल्स, नो फेकिंग प्लीज। ऑलराइट, सीखिए, सॉफ्ट स्किल्स को सीखा जाता है, उसको फेक मत करिए अपने आप। आप कभी भी फेक करोगे ना तो लोग उसको समझ जाएंगे कि दैट यू आर फेकिंग राइट नाउ। ऑलराइट, आप एक मुखौटा पहने हुए हो, मुखौटा नहीं पहनना है। जो आप अंदर फील करते हो वही आप बाहर भी रहो, जो अंदर हो वही बाहर भी हो। कहीं ना कहीं आप ये फंसोगे जरूर। ऑलराइट, किसी को नकल करने की जरूरत नहीं है, किसी का फेक करने की जरूरत नहीं है। बी योर सेल्फ, बी ओरिजिनल, राइट। नाइन्थ, ट्रेन योर सेल्फ इन सॉफ्ट स्किल्स। तो हमेशा ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है इन सॉफ्ट स्किल्स के लिए। सॉफ्ट स्किल्स के लिए आप ट्रेनिंग करने के लिए आप प्रोफेशनल्स के पास जा सकते हैं या आप वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। सिंपल सी बात यह होती है सॉफ्ट स्किल्स में, जैसे कि मैंने बताया था शुरुआत के वीडियो में, कि सॉफ्ट स्किल्स का मतलब होता है कि आप अपने बातचीत से रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे चेंजेस लेके आ रहे हैं, अपने जॉब में अपने बॉस से कैसे बात कर रहे हैं, अपने कलीग से कैसे बात कर रहे हैं, अपने जूनियर से कैसे बात कर रहे हैं, अपने घर में कैसे बात कर रहे हैं, फ्रेंड से कैसे बात कर रहे हैं। सारी चीज जो बात करने का लहजा होता है, दैट कम्स अंडर सॉफ्ट स्किल्स। और इसका सबसे बेसिक और सबसे इजी तरीका जो हम लोग ने अभी देखा, और ये तो है, और साथ में एक सबसे अच्छा तरीका होता है कि इफ यू स्टार्ट पुटिंग योरसेल्फ इन द अदर पर्सन शूज, आप अपने आप को दूसरों के शूज में रखिए, देन बोलने की कोशिश करिए। तो अगर सपोज अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो पहले ये सोचिए कि अगर मुझे वो चीज बोली जा रही है तो मुझे कैसा लगेगा। तो जब आप ये सोच के बोलेंगे सो हमेशा आपके मुंह से अच्छा ही निकलेगा, और हमेशा आप पॉजिटिव बोलेंगे, कभी भी आप नेगेटिव नहीं बोलेंगे, राइट। तो ये जो ट्रिक मैंने अभी लास्ट में आपसे शेयर की है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डिफिकल्ट होता है, राइट, बिकॉज हम लोग जल्दी में रहते हैं, हम सोचते हैं अरे इतना टाइम नहीं है अपने पास कि वी कीप आवरसेल्फ्स इन द अदर पर्सन शूज, सो हम बोल देते हैं बगैर सोचे समझे, राइट। बच्चों के साथ भी हम लोग ऐसे ही करते हैं, बोल देते हैं बगैर सोचे समझे, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। यू शुड ऑलवेज कीप योर सेल्फ इन द अदर पर्सन शूज, भले ही वो बच्चा हो, भले ही वो बड़ा हो, भले ही वो हमारे बराबर वाला हो। तो जब हम ये सोचेंगे तो हमेशा हमारे मुंह से अच्छा ही निकलेगा, एंड विल ऑलवेज हेल्प इन डेवलपिंग सॉफ्ट स्किल्स, राइट। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब द वीडियो, काइंडली लाइक द वीडियो, एंड काइंडली शेयर इफ यू वॉन्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।